ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अर्ज कर रहा था आज मुसलमान लाखों हैं, आज मुसलमान करोड़ों हैं, लेकिन जलील कर दिए गए। कहीं मुसलमानों को मारा जा रहा है, कहीं मुसलमान की बेटियों की आबरुओं को लूटा जा रहा है। मुसलमानों कुरान उठाओ, अल्लाह कुरान में फरमाता है वलाकद नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। उस वक्त की बात कुरान बता रहा है कि तुम निहत्ते थे, तुम्हारे हाथों में तलवारें नहीं थी। ये 313 के गुलाम जब बाजारों से निकल रहे थे तो मक्का के कुफार कहकहे लगा कर कह रहे थे ये निहत्ते क्या लड़ेंगे, ये भूखे क्या लड़ेंगे, ये जंग के मैदान में ज्यादा देर टिक ना पाएंगे। एक सहाबी का दामन पकड़ के एक मक्का के काफिर ने पूछ लिया था, अरे जा रहे हो तो कौन सी ताकत पर भरोसा करके जा रहे हो, न तुम्हारे पास खाने को खाना है न पहनने को कपड़ा है, कौन सी ताकत पर भरोसा करके जा रहे हो। तो उन नबी के गुलामों ने जवाब दिया था, न तख्तो आज पर तकिया न खंजर पर न भाले पर भरोसा है तो इस सादा सी काली कमली वाले पर। मुसलमानों ये नबी के गुलाम 313 ये जब जंगे बद्र में जा रहे थे, ये 313 है, खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, ये नबी के गुलाम 313 है। आज तो हम लाखों हैं, हम करोड़ों हैं, लेकिन कहीं मुसलमानों को जलील कर दिया गया, कहीं मुसलमानों को मारा गया। ऐ मुसलमानों सुनो सुनो, आओ मैं बताता हूँ। जब मेरे नबी सहाबा को ट्रेनिंग दे रहे थे बद्र के लिए, मुजाहिदों को तैयार कर रहे हैं कि जंगे बद्र में चलना है, काफिरों का खात्मा करना है, ये नबी के गुलाम 313 खड़े हैं। उधर से दो बच्चे दौड़े चले आए, दोनों सगे भाई हैं, एक का नाम हजरत माज है, दूसरे का हजरत माउज है। ये दोनों मेरे नबी के करीब आके रुक गए। मेरे नबी ने फरमाया, ए बच्चों, यहां बच्चों का काम नहीं है, यहां सहाबा को ट्रेनिंग में लगाया जा रहा है, यहां बद्र के लिए मुजाहिदों को तैयार किया जा रहा है। ए बच्चों चले जाओ। बच्चे अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, हम खेलने के लिए नहीं आए हैं बल्कि जंग में शरीक होने आए हैं। मेरे नबी ने फरमाया, बच्चों तुम अभी बच्चे हो, तुम जंग में जाने के काबिल नहीं हो, जंग में वो जाएगा जो जवान होगा। ये नबी के गुलाम 313 खड़े हैं, ये दोनों बच्चे खड़े होके अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह हमें इजाजत दीजिए, अपने सहाबा से हमें नफा ले, अगर हम इनके बराबर हों तो इजाजत दे देना, वरना मना कर देना। मेरे नबी ने फरमाया, ठीक है चलो लाइन में लगो। अब ये दोनों भाई छोटे छोटे पत्थर उठाकर लाए। मुसलमानों देखो इन बच्चों का जज्बा, ये दोनों भाई छोटे छोटे पत्थर उठाकर लाए और पत्थरों को रखा और उन पत्थरों पर खड़े हो गए ताकि सहाबा से कांधे से कांधा मिल जाए। सहाबा से कांधे से कांधा मिलेगा तभी हमें नबी की तरफ से इजाजत हो जाएगी। ऐ लोगों गौर करना, ये दोनों बच्चे पत्थरों पर खड़े हुए लेकिन फिर भी कांधे से कांधा ना मिला। उसमें जो बड़ा भाई था, जब वो पंजों के बल खड़ा हुआ तो उसका किसी कदर कांधे से कांधा मिल गया। मेरे नबी ने इशारा फरमाया, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए इजाजत है। जब बड़े भाई को इजाजत मिल गई, ये छोटा रह गया। अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, ये देखने में मुझसे बड़ा है, ऐ मेरे आका मेरी इससे कुश्ती करा ले, मेरी इससे कुश्ती करा ले। या रसूल अल्लाह कुश्ती में मैं इसको पछाड़ लेता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, अच्छा कहा, दिखाओ अपना फन। अब ये दोनों भाई जब कुश्ती करने के लिए मैदान में आए तो बड़े भाई के कान में छोटा भाई बोला, ए भाई मुस्तफा ने तुम्हें तो इजाजत दे ही दी है ना, मुझे इजाजत जब मिलेगी, जब मैं तुम्हें कुश्ती में पछाड़ दूंगा, जब मैं तुम्हें कुश्ती में हरा दूंगा। ऐ मेरे भाई तुम मुझसे कुश्ती में हार जाना। मुसलमानों जरा गौर करना, जब ये बच्चे ने छोटे भाई से बड़े भाई से इतना कहा तो बड़ा भाई कुश्ती में हार जाता है। अब मेरे नबी ने दोनों को इजाजत दे दी। जब ये दोनों भाई, इनके छोटे छोटे हाथों में तलवारें छोटी छोटी दे दी गई, अब जंगे बद्र के लिए ये मुजाहिद चले हैं, जंगे बद्र में जा रहे हैं, ये नबी के गुलाम 313 बाजारों से निकल रहे हैं। मक्का के कुफार कहकहे लगा के ये कह रहे थे, अरे ये तो भूखे हैं, इनके पास घोड़े नहीं हैं, इनके पास तलवारें नहीं हैं, ये जंगे बद्र में किस लिए जा रहे हैं। मुसलमानों नबी के गुलाम जब बद्र में पहुंचे हैं, इधर सहाबा हैं, उधर से काफिर हैं, ये 313 खड़े हैं, उधर से हजारों का मजमा है, ये नबी के गुलाम 313 इधर खड़े हैं। ऐ लोगों मीटिंग हो रही है, इधर सहाबा मीटिंग कर रहे हैं किस तरीके से काफिरों का खात्मा करना है, उधर काफिर मीटिंग कर रहे हैं किस तरीके से मुसलमानों को खाक व खून में मिलाना है, आपस में मीटिंगें हो रही हैं। लेकिन ये दोनों भाई सबसे बेपरवाह होकर, छोटा भाई बड़े भाई के करीब आता है, आने के बाद कहता है, ए भाई हमने नबी के गुलाम, हमने नबी का गुलाम बनकर आए हैं, ऐ मेरे भाई जंग में तो आ गए हैं, लेकिन ऐ मेरे भाई अब जंग में करना क्या है, हमने सुना है। बड़ा भाई बोला, हमने सुना है नबी का एक गुस्ताख है जिसका नाम
नाम अबू जहल है, हमें उसी को कत्ल करना है। अब दोनों भाइयों ने टारगेट बना लिया, दोनों भाइयों ने प्लान बना लिया, अबू जहल को खाको खून में मिलाना है, अबू जहल का खात्मा करना है। इन दोनों भाइयों ने इरादा कर लिया। ये दोनों भाई जब जंग छिड़ी, आपस में जंग छिड़ गई, इधर से नबी के गुलाम 313 है, उधर से उतबा और शैबा की ताकतें हैं। ये 313 नबी के गुलाम मुसलमानों जब बदर के मैदान में पहुंचे हैं, ये बच्चे अबू जहल की सवारी के करीब पहुंचने वाले हैं। ए लोगों सुनो, अबू जहल की सवारी आ गई, अबू जहल का घोड़ा आ गया, नबी के गुलामों ने देखा, नबी के चाहने वालों ने देखा, अबू जहल अपनी सवारी को लेकर आ गया। इन बच्चों ने देखा, एक सहाबी के करीब पहुंचे और जाकर कहने लगे, या मुहल तारीफू अबा जहल, चचा जान क्या आप अबू जहल को जानते हैं, आपने अबू जहल का अबू जहल को देखा है। सहाबी रसूल ने देखा कि बच्चा है, बच्चे की बात पर गौर ना किया। ए लोगों जरा गौर करना, ये सहाबी के पास आए, उस सहाबी ने बच्चे की बात पर गौर ना किया। अब दूसरा भाई आता है, आने के बाद कहता है, या अम्मुहल तारीफू अबा जहल, चचा जान क्या आप अबू जहल को जानते हैं, आपने अबू जहल को देखा है। सहाबी रसूल ने फरमाया, हाँ हाँ मैं अबू जहल को जानता हूँ, अबू जहल को क्या करोगे, अबू जहल को क्यों पता कर रहे हो। तो उस सहाबी से उस बच्चे ने कहा था, कसम खा के आए हैं, मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है महबूब बारी को। मुसलमानों ये 313 नबी के गुलाम बदर में पहुंचे हैं। अब ये बच्चा, उससे जब इशारा किया गया, उस सहाबी ने इशारा करके फरमाया, वो देखो जो ऊंची सवारी पर बैठा है, वही आज का अबू जहल है, वही अबू जहल है। अब इन दोनों भाइयों ने टारगेट बना लिया, अबू जहल को खत्म करना है, अबू जहल को खाको खून में मिलाना है। दोनों भाइयों का टारगेट हो गया, दोनों भाइयों ने प्लान बना लिया। जब मुसलमान और काफिरों में जब जंग छिड़ गई, इधर से नबी के गुलाम 313, उधर से उतबा और शैबा की ताकतें हैं, मुसलमानों ये दोनों भाई सबसे बेपरवाह होकर अबू जहल की सवारी के करीब पहुंचते हैं। छोटा भाई नारे तकबीर को बुलंद करता है, अबू जहल के घोड़े पर वार करता है। जब अबू जहल के घोड़े पर वार किया जाता है, अबू जहल नीचे आ जाता है। बड़े भाई ने तलवार को निकाला और तलवार को निकालने के बाद अबू जहल की गर्दन पर बार किया। जब अबू जहल की गर्दन पर बार किया गया, अबू जहल को खाको खून में मिला दिया, अबू जहल को कत्ल कर दिया गया। नबी के गुलामों ने देखा कि इन बच्चों ने जो है अबू जहल को खाको खून में मिला दिया है, अबू जहल को कत्ल कर दिया है। अब इन पर जो है, ये अबू जहल के जो साथी थे, उन बच्चों पर हमला बोल दिया। ये नन्हे नन्हे बच्चे मुसलमानों कब तक अपनी जानें कुर्बान करते। एक भाई का बाजू कट गया, हल्का सा जुड़ा रह गया, हाथ तलवार चलाने में दिक्कत कर रहा था। उसने अपने पैर को अपने हाथ से दबाया और झटके से अलग किया और तलवार चलाने लगा। मुसलमानों, ये मुसलमानों की ताकत थी, ये मुसलमानों की पहचान थी। ये दोनों भाई शहीद हो गए, लेकिन तारीख ऐसी कायम कर गए, जब तक मुसलमान रहेंगे ये कहते रहेंगे, अबू जहल को जो मारा था नबी के गुलाम, इन 313 ने मारा था, इन छोटे छोटे बच्चों ने मारा था। आज हम लाखों हैं, करोड़ों हैं, अरबों हैं, लेकिन जलील कर दिए गए। कहीं मुसलमानों को मारा जा रहा है, कहीं मुसलमानों को जलील किया जा रहा है। अगर मुसलमान आज एक हो जाएं, तो मुसलमानों को कोई मारने वाला पैदा नहीं होगा, मुसलमानों को कोई काटने वाला पैदा नहीं होगा। मुसलमानों आओ, अल्लाह की तरफ आओ। अल्लाह फरमाता है, फफिरू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ पलटो, अल्लाह की तरफ आओ। मुसलमानों आओ अल्लाह की तरफ, हमें एक होना चाहिए। अगर हम एक हो गए, हमें कोई मारने वाला पैदा नहीं होगा, हमें कोई काटने वाला पैदा नहीं।